दोस्तों, कामत की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको सूरन की सब्जी बना के बताऊंगी, जिसे जीवीकंद भी कहते हैं और इंग्लिश में याम कहते हैं। ग्रेवी वाली सब्जी मैं आपको बना के बताऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 300 ग्राम सूरन ले लिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से धो के काट लूँगी। और मैंने यहाँ पर लिया एक टमाटर, इसका भी मैं पेस्ट बनाऊँगी। एक नींबू चाहिए, दो हरी मिर्च, एक पूरा लहसुन चाहिए, जिसे हमें अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बनाना है छील के, और 1 से 1.5 इंच अदरक, दो मीडियम साइज़ के प्याज, इसका भी हमें पेस्ट बनाना है। इसका पेस्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है और सूरन को धो के अच्छी तरीके से काट लेना है। मैं सूरन को इस तरीके से धो के इस तरीके से काट के, देखिए दोस्तों इस तरीके से काटना है हमें सूरन को। देखिए हमने इसे छील लिया है, अब इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से काटना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें इसे काटना है और एक बराबर रखना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से इसे एक बराबर शेप में काटना है। मैंने इसको काट लिया है इस तरीके से, और इसको हमें दो बार अच्छे तरीके से, दो या तीन बार अच्छी तरीके से साफ पानी तक धोते रहने। देखिए दोस्तों मैंने सूरन को इस तरीके से काट लिया है, इस तरीके से हमें काटना है। देखिए दोस्तों मैंने ये जीवीकंद को काट लिया है अच्छी तरीके से ओल को, और इसको अब मैं एक प्लेट में अच्छी तरीके से इस तरीके से रखूंगी। इस तरीके से हमें इसको रखना है, ठीक है। अब इसमें हमें डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसी के साथ हमें डालना है आधा चम्मच नमक, आप अपने अनुसार स्वाद अनुसार डाल दें। और इसमें मैं डालूंगी जो हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था, 1 चम्मच जितना मैं इसमें डाल दूंगी इस तरीके से। और इसको हमें हाथ को धो के अच्छी तरीके से इसको हमें इस तरीके से मिलाना है दोस्तों। देखिए इस तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसे ऐसे छोड़ देना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें मिक्स करना है। ये सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी बनती है दोस्तों, बहुत अच्छी लगती है। आप इसे रोटी, चपाती, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। इस तरीके से अब हमें इसे रख देना है 10 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो टमाटर लिया था, जो प्याज और जो अदरक लहसुन लिए थे, उस सबका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों हमें ये मैंने 5, 6, 8, 10 काली मिर्च लिया है, इसको भी हमें इसका भी हमें पेस्ट बनाना है। और आधा चम्मच हम राई लेंगे, इसका भी मैं पेस्ट बनाऊंगी। इसी के साथ इसमें मैं लूँगी आधा चम्मच जीरा, इसका भी मैं पेस्ट बनाऊँगी। और यहाँ देखिए मैंने खड़े मसाले में लिया है 1 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च और आधा चम्मच जीरा, ये खड़े मसाले में मैंने लिया है। इसका भी मैं पेस्ट तैयार करूंगी अच्छी तरीके से। अब मैं मसाला डालने के लिए लूंगी आधा चम्मच सब्जी में, ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये आधा चम्मच लूँगी मैं इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर। और इसको भी हमें अच्छी तरीके से घोल के तैयार करके रख लेना है दोस्तों। देखिए इस तरीके से हमें इसको भी थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, और अच्छी तरीके से इस तरीके से हमें इसका पेस्ट बना के तैयार करना है। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी, हमें ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है, बिल्कुल इसको थोड़ा ठीक ही रखना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका भी पेस्ट तैयार कर लिया, इसको भी मैं यहाँ रख लूँगी। हमने जो ये मसाला लिया था, इसका पेस्ट मैं सिलबट्टे पे तैयार करूँगी। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसको अपनी मम्मी के तरीके से बना रही हूँ, तो इसको मैं, मेरी मम्मी सिलबट्टे पर पीसती है, तो मैं भी इसी पर पीस के बनाऊँगी। देखिए इस तरीके से हमें इसको बारीक पीसना है दोस्तों। देखिए इस तरीके से हमें पीसना है, इस तरीके से अगर हम इसको पीस के डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा,
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसे खाने में, आप जरूर बनाना इसे इस तरीके से, और मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। देखिए दोस्तों, ये हमारा ये पिस चुका है अच्छे से, अब मैं इसको एक बाउल में इस तरीके निकाल लूँगी। अपना हाथ अच्छे से धो के दोस्तों तब पीसना है इसे, इस तरीके से मैं इसे वो निकाल लूँगी। देखिए हमारा पेस्ट बन के तैयार है। देखिए हमारा सारा मसाला पीस के रेडी है, ग्रेवी वाली वो है तो हमें इसके लिए मसाला तो चाहिए, तो हमने सारे मसाले को एकदम से तैयार कर लिया है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों मैं चावल भी बना रही हूँ, मुझे इस सब्जी के साथ चावल बहुत पसंद है। ये हमारा 10 मिनट हो चुका है और हमारा ये जो सूरन है वो अच्छी तरीके से मिल चुका है और हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे तेल। मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, सरसों के तेल में ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है, तो आप भी सरसों का तेल लेना या आपको जो भी तेल पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मैं 2 चम्मच जितना तेल ले रही हूँ इसमें, देखिए दोस्तों ठीक है, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इसे तलने के लिए अच्छी तरीके से हमें इसे फ्राई करना है। मैं एक एक करके इसमें इस तरीके से डालूंगी, इस तरीके से हमें इसे डालना है और अच्छी तरीके से इसे फ्राई करना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें सारा सूरन इसमें डाल देना है अच्छी तरीके से। देखिए मैंने 300 ग्राम लिया था सूरन, आप अगर ज़्यादा लेंगे तो आप 2 बार में फ्राई करना दोस्तों, क्योंकि 1 बार में ही अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हमें सारा डाल दिया है सूरन को, और ये जो हमारा ये बचा हुआ ये है सूरन का, ये हम इस मसाले में ऐड कर लेंगे इस तरीके से, इसे सेकना नहीं है इस तरीके से। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो ये मसाले में इसमें सूरन में नमक मिलाया था, नमक बाद में हमें उसके अनुसार ही डालना है। अब इसको हम कवर कर देंगे लो फ्लेम पे, इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट तक। इसे हमें कम करके रखना है, हमें बीच में एक बार 5 मिनट बाद चेक करना है कि हमारा सूरन अच्छी तरीके से फ्राई हुआ है और पका है या नहीं। देखिए सूरन को पकाने में हमें 10 मिनट करीब लगते हैं, लेकिन क्या कहते हैं आप इसे देखना है आपको कि आपका सूरन किस तरीके से कटा हुआ है। आपको अगर 10 मिनट से ज़्यादा लगे तो भी उसको हमें 90% तक तेल में ही कुक करना है। हमारा 5 मिनट हो चुका है, अब इसे हम चेक करके पलट देंगे इस तरीके से। देखिए हमारा कितने अच्छी तरीके से सूरन तल चुका है, अच्छी तरीके से फ्राई भी हो रहा है, इसको हमें इस तरीके से पलटना है। ऐसे करके हम सारे सूरन को इस तरीके से पलट देंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने सारे सूरन को पलट दिया है। अब इसको हमें, अभी हमारा ये अच्छी तरीके से नहीं फ्राइड हुआ है, इसे हमें 90% कुक करना है और 10% जो हमारा ये होगा ये बचेगा वो हम मसाले में कुक करेंगे इसको। देखिए हमारा अभी ये नहीं बना है, ये अच्छी तरीके से नहीं फ्राइड हुआ है, इसे हमें 10 मिनट के लिए और कवर करके रखना है दोस्तों। 5 मिनट बाद मैं इसे फिर से चेक करूँगी हमारा ये सूरन फ्राइड हुआ है या नहीं। देखिए हमारा 10 मिनट हो गया है, अब इसे हम देखें और हमारा जो ये सूरन है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, ये अच्छी तरीके से कुक हो गया, इसे हम चेक करेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा अच्छी तरीके से देखिए कुक हो गया है, इसको हमें अब इससे बाहर निकालना है अच्छी तरीके से। देखिए हमारा कुक हो चुका है, अब मैं इसे बाहर निकालूँगी एक बाउल में इस तरीके से। जो हमारा 10% ये कुक होना बाकी है उसको हम मसालों में कुक करेंगे। देखिए और हमारा 1 चम्मच जितना तेल बच गया, इसमें मैं 1 चम्मच जितना तेल और डालूंगी, 1 बड़े चम्मच जितना। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें इतना ही तेल डालना है। अब इसमें इसको हमें, अब हमारा गैस का फ्लेम हमें तेज़ करना है ताकि हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। देखिए और तेल को गर्म होने देना है। देखिए दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हमें डालना है, हमने जो ये खड़े मसाले लिए थे 1 तेज़पत्ता उसको डालना है हमें, इसी के साथ हमने जो जीरा हमने लिया था वो भी हमें इसमें डालना है इस तरीके से, और इसको हमें चटकने तक, जीरा चटकने तक अच्छी तरीके से पकाना है।
थोड़ी सी राई भी डाल देंगे। अब हमारी राई चटक चटकने लगी है, देखिए हमारी राई चटक चुकी है। हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें हम डालेंगे, हमने जो ये दो प्याज का पेस्ट तैयार किया था उसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इस तरीके से हमें प्याज को मिक्स करना है। प्याज हमारा 5 मिनट भून जाए लो फ्लेम पे और इसका कलर चेंज होने लगे, तो इसमें हमें देखिए दोस्तों हमारा प्याज भून चुका है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे, मैंने प्याज को 5 मिनट लो फ्लेम पे भून दिया है और प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया था, जो मैंने आधा सूरन को फ्राई करने में डाला था और जो आधा हमारा बच गया था, मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया था, 1 चम्मच मैंने पहले डाला है और 1 चम्मच मैं अब डालूंगी। और इसको भी हमें अच्छी तरीके से लगभग 2-3 मिनट तक चलाते हुए भूनना है। देखिए 3 मिनट हो चुका है और हमारा लहसुन अदरक और प्याज अच्छी तरीके से भून के तैयार है। अब इसमें मैं डालूंगी जो हमने ये मसाले का पेस्ट बनाया था, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर का, वो भी हमें इसी स्टेज पे इसमें डाल देना है। और इसी के साथ हमने जो ये पेस्ट बनाया था जीरा का और काली मिर्च का और राई का, इसको भी हमें इसमें डाल के इस तरीके से मिक्स करना है। इस तरीके से जैसे लगभग से हमें 5 मिनट तक लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए चलाना है। जो हमने ये मसाला डाला था इसमें थोड़ा सा मसाला इसमें मैं पानी डाल के इस तरीके से डाल दे रही हूँ और चलाते हुए 5 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको मैं भूनूंगी, लगभग 5 मिनट तक लो फ्लेम पे। देखिए हमारा 4 मिनट हो गया है और हमारा ये जो मसाला है वो अच्छी तरीके से भून गया है। अब मैं इसमें जो टमाटर की, मैंने एक टमाटर की प्यूरी तैयार करी थी, वो इस तरीके से डाल दूंगी और इसको भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी नमक, नमक मैंने पहले भी डाल रखा है सूरन में, तो इसलिए नमक मैं इसमें 1/2 चम्मच डालूंगी, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको मैं 2 मिनट ऐसे मिक्स करके लो फ्लेम पे और लो फ्लेम पे गैस इसको मिक्स करके मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और बीच बीच में चलाते हुए इसको चेक करती रहूंगी। इस तरीके से हमें इसको कवर करना है। तो देखिए हमारा 5 मिनट हुआ है, अब इसको हम चेक करेंगे हमारा मसाला भून के तैयार हुआ है या नहीं। देखिए अभी हमारा थोड़ा सा मसाला और भूनने को बाकी है, इसे अच्छी तरीके से और भूनने देना है, सही से नहीं भुना है ये। इसमें मैं आप डाल दूँगी ये सूरन है, सूरन थोड़ा सा लगता है तो इसीलिए मैं इसमें डालूंगी। मैंने 1 नींबू लिया था तो उसमें से मैं इतना टुकड़ा डालूंगी नींबू का, इस नींबू का रस डालूंगी इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए दोस्तों मैंने डाल दिया है 1/2 टुकड़ा नींबू का। मैंने एक अचार लिया है उसको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी मैं डालूंगी इसमें। और देखिए हमारा मसाला कैसे अच्छी तरीके से भून रहा है, देखिए तेल साइड से निकलना शुरू हो गया है, यानी कि हमारा मसाला भून के तैयार होने वाला है। इसे थोड़ा सा हमें और कवर करना है और 2 मिनट के लिए छोड़ देना है कवर करके। देखिए हमारा मसाला जब तक ये 2 मिनट हो रहा है तब तक हम इस पानी को 2 मिनट के लिए गर्म कर लेते हैं सब्जी में, 1 गिलास तक पानी डालने के लिए मैंने गैस पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए दोस्तों हमारा मसाला भुन चुका है, अब हम इसे चेक करेंगे इस तरीके से आराम से। दोस्तों आप कपड़े से पकड़ के करना। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है, इसमें हमने जो ये और खुशबू भी इतनी अच्छी आने लगी है, हमने जो ये सूरन तल के रखा था फ्राई करके वो हम स्टेज पे इसमें डालेंगे और 2 मिनट तक इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तब तक हमारा पानी भी गर्म हो रहा है, इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। गैस का फ्लेम हम बहुत तेज कर लेंगे, देखिए कैसे इसमें से तेल निकलना स्टार्ट हो गया दोस्तों, देख रहे हैं आप, देखिए। और मसाला भी बनके कितना अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, ये देखिए मन कर रहा है कि अभी ही खा लूं सारा। दोस्तों इस आसान तरीके से आप ज़रूर बनाना और अपने परिवार वालों को बना के खिलाना। मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ये रेसिपी ज़रूर बनाना। अब पानी हमारा गर्म हो चुका है और इसमें मैं 1 गिलास जितना पानी
देखिए इस तरीके से हमें, मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी और मैं चावल के साथ खाऊंगी दोस्तों, तो इसलिए मैं इसमें इतना पानी डालूँगी। देखिए आप चाहे तो इसे पानी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, इसलिए हमें पानी को ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, इस तरीके से रखना है। देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों, देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुना है। और इसको 5 मिनट तक हमें ऐसे ढक देना है कवर करके और तेज़ फ्लेम पे ही रखना है दोस्तों। बीच में बस 2 मिनट बाद हमें चेक करना है इसको। टू देखिए हमारा 2 मिनट हो गया है और हम चेक करेंगे सब्ज़ी को, ठीक है। देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी बन के तैयार हो रही है, बस हमें सूरन को चेक करूँगी कि वो हमारा सूरन अच्छे से बना है या नहीं। नहीं दोस्तों अभी नहीं बना है, इसको हमें 5 मिनट के लिए और ढक के कम करके गैस को 5 मिनट और पकने दूंगी। ठीक देखिए दोस्तों अब हम चेक करेंगे हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हुई है या नहीं। देखिए देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी तरीके से बनके सूरन की ग्रेवी वाली सब्ज़ी एकदम तैयार है। इसमें अब मैं डालूँगी 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला दोस्तों डाल रही हूँ मैं। गरम मसाला हमेशा बाद में डालना चाहिए हमें, जब हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाए। देखिए दोस्तों अब इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी और गैस का फ्लेम मैं तेज कर दूँगी। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। देखिए अब मैं इसे गैस को बंद चलाते हुए 2 मिनट, सब्ज़ी को चलाते हुए 2 मिनट पका लूँगी और गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, अब मैं इसको चावल के साथ सर्व करूँगी। आप चाहे तो रोटी चपाती पूरी जिसके साथ भी खाना चाहे आपको पसंद है आप उसके साथ खा सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं एकदम बिहारी स्टाइल में सर्व करूँगी। देखिए ये बिहार के लोगों को बहुत पसंद आता है दोस्तों, इस तरीके से हमारा चावल भी बनके तैयार था तो मैं इस तरीके से इसको सर्व करूँगी दोस्तों। देखिए इस तरीके से देखिए अब मैं इस सब्जी को इसमें इस तरीके से, देखिए दोस्तों हमारी सब्जी कितनी अच्छी। देखिए दोस्तों इस तरीके से इसे हमें इस तरीके से, देखिए हमारा बनके तैयार है सूरन की सब्जी और चावल। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।